मित्रों, मैं चाणक्य नीत को अध्यायवार आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तक आपको हमने तीसरे अध्याय तक जानकारी साझा किया है, आज हम चौथे अध्याय को लेकर आए हैं। दोस्तों, चाणक्य नीत के चौथे अध्याय में बताया गया है कि बच्चे जन्म से पहले ही माता के गर्भ में उसका भविष्य निश्चित हो जाता है। जैसे वह कितने साल जिएगा, वह किस प्रकार का काम करेगा, उसके पास कितनी संपत्ति होगी, उसकी मृत्यु कब होगी। पुत्र, मित्र, सगे संबंधी साधुओं को देखकर दूर भागते हैं, लेकिन जो लोग साधुओं का अनुसरण करते हैं उनमें भक्ति जागृत होती है और उनके इस पुण्य से उनका सारा कुल धन्य हो जाता है। जैसे मछली दृष्टि से, कछुआ ध्यान देकर और पक्षी स्पर्श करके अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे ही संतजन पुरुषों की संगति मनुष्य का पालन पोषण करती है। जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, उसी समय आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। विद्या अर्जन करना एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में माता के समान रक्षक एवं हितकारी होती है, इसलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। मित्रों, सैकड़ों गुण रहित पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है, ना कि असंख्य तारे। एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, लेकिन दूसरा बालक अपने माँ बाप को जिंदगी भर दुख की अग्नि में जलाता है। निम्नलिखित बातें व्यक्ति को बिना आग के ही जलाती है। जैसे एक छोटे गाँव में बसना जहाँ रहने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं, एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ नौकरी करना जो नीच कुल में पैदा हुआ, और स्वास्थ्य वर्धक भोजन का सेवन करना जिसकी पत्नी हरदम गुस्से में होती है, जिसका मूर्ख पुत्र होता है, जिसकी पुत्री विधवा हो गई है। दोस्तों, वह गाय किस काम की जो ना तो दूध देती है ना तो बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म किस काम का जो ना ही विद्वान हुआ ना ही भगवान का भक्त हो। जब व्यक्ति जीवन के दुख से झुलसता है तो उसकी निम्नलिखित चीज की ही सहारा देती है, जैसे पुत्र और पुत्री, पत्नी भगवान के भक्त। यह बातें एक बार ही होनी चाहिए, जैसे राजा का बोलना, विद्वान व्यक्ति का बोलना, लड़की का ब्याहना। जब आप तप करते हैं तो अकेले करें, जब आप अभ्यास करते हैं तो दूसरों के साथ करें, गायन करते हैं तो तीन लोगों के साथ करें, और अगर आप कृषि करते हैं तो चार लोग करें, वहीं युद्ध अनेक लोग मिलकर करें। नीत के अनुसार वही अच्छी पत्नी है जो सूचपूर्ण है, पारंगत है, शुद्ध है, पति को प्रसन्न करने वाली है और सत्यवादी है। जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं है उनका घर उजाड़ है, जिसे कोई संबंधी नहीं है उसकी सभी दिशाएं उजाड़ है, मूर्ख व्यक्ति का हृदय उजाड़ है, निर्धन व्यक्ति का सब कुछ उजाड़ है। जिस आध्यात्मिक सिख का आचरण नहीं किया जाता वह जहर है, जिसका पेट खराब है उसके लिए भोजन जहर है। निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्र होना जहर है। जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं उसे दूर करो, जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं उसे दूर करो, जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर रखो, जिस रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं उन्हें भी दूर रखो। सतत भ्रमण करना व्यक्ति को बूढ़ा बना देता है, यदि घोड़े को हरदम बांध के रखते हैं तो वो बूढ़ा हो जाता है, यदि स्त्री उसके पति के साथ पढ़ाई नहीं करती तो वो बड़ी हो जाती है, धूप में रखने से कपड़े पुराने हो जाते हैं। इन बातों को बार बार गौर करें, सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसा कमाने का सही साधन, पैसा खर्च करने के सही तरीके आपके ऊर्जा स्रोत। द्विज अग्नि में भगवान देखते हैं, भक्तों के हृदय में परमात्मा का वास होता है। जो अल्पमति के लोग हैं वे मूर्ति में भगवान देखते हैं, लेकिन जो व्यापक दृष्टि रखने वाले लोग हैं वे यह जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें लाइक व कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके बहुमूल्य समय के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।